डार्क क्राइसिस का पार्ट 9 शुरू होता है। हम देखते हैं हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर डार्क आर्मी और सभी सुपर हीरोज के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। इस फाइट को चलते हुए काफी समय हो चुका है और इसी भयानक फाइट में हम रेवन को स्पेक्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जहां स्पेक्टर डार्कनेस का गुलाम बना हुआ है और उसे खुद पर कंट्रोल भी नहीं है, उसे डार्कनेस ने कंट्रोल कर रखा है। और यहां हम ये भी देखते हैं कि स्पेक्टर का इंसानी रूप जिम कॉरिगन स्पेक्टर से अलग हो चुका है और ऐसा सिर्फ पराया की टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। सो वहीं दूसरी ओर हम जिम कॉरिगन को देखते हैं जो एक कार के जरिए स्पेक्टर के पास आ रहा होता है। जिम कॉरिगन अब तक वेकेशन पर था और उसे नहीं पता था कि स्पेक्टर डार्कनेस का गुलाम बन चुका है, और जब से पराया मारा गया है तब से जिम कॉरिगन को रियलाइज हुआ है कि स्पेक्टर तबाही फैलाने में लगा है और वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। सो इसीलिए वो स्पेक्टर की ओर तेजी से जाने लगता है, पर तभी उसकी कार से फ्रैंकेस्टाइन टकरा जाता है और फ्रैंकेस्टाइन दो पीस में कट जाता है। पर वो फ्रैंकेस्टाइन की पल्स को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे स्पेक्टर के पास जाना है। जिम कॉरिगन भागते हुए स्पेक्टर के पास पहुंचता है, जहां रेवन स्पेक्टर से फाइट कर रही होती है और उन दोनों के साइज काफी ज्यादा बड़े होते हैं। स्पेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा खुश है इस अर्थ पर तबाही फैलाकर, और रेवन उसे कितना भी रोक ले स्पेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रेवन स्पेक्टर के सामने घुटनों पर आ जाती है। तभी कुछ सुपर हीरोज रेवन को बचाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जिसमें स्पेक्टर उन सभी सुपर हीरोज को मारने वाला होता है, पर रेवन उन सभी सुपर हीरोज को जैसे तैसे बचा लेती है। जब रेवन स्पेक्टर से लड़ने में बिजी होती है तब पीछे से डूम्सडे अटैक कर देता है और रेवन जमीन पर गिर जाती है और उसे होश भी नहीं आता, और ऊपर से स्पेक्टर रेवन के ऊपर पैर रखकर उसे मारने वाला होता है। और उसी समय स्पेक्टर के सामने जिम कॉरिगन आकर खड़ा हो जाता है और वो स्पेक्टर में मर्ज होने लगता है, पर जिम कॉरिगन स्पेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर स्पेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पीछे से रेवन जिम कॉरिगन की मदद करती है और वो स्पेक्टर को मैजिकल जंजीरों में बांध देती है, और होता यह है स्पेक्टर धीरे धीरे शांत होने लगता है, जिसका मतलब यह है कि जिम कॉरिगन अब स्पेक्टर को कंट्रोल कर पा रहा है। और इसीलिए जब हम स्पेक्टर की आंखों में देखते हैं, जिसमें हमें इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है, जिसका मतलब यह है कि अब शायद स्पेक्टर डार्कनेस से आजाद हो चुका है। वहीं दूसरी ओर लाइब्रेरी ऑफ थिमिस्केरा में हम एक क्लियो नाम के लाइब्रेरियन को देखते हैं, जो कि इस दुनिया में चल रहे केओस के बारे में नोट डाउन कर रही होती है। और यहाँ के हम कुछ अमेज़ोनियन वॉरियर्स को देखते हैं, जो कि एक पोर्टल के जरिए मैंस वर्ल्ड में पहुँचते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और यहाँ हम वंडर गर्ल, नूबिया और वंडर गर्ल को देखते हैं, जो कि लगातार डार्क आर्मी से लड़ रहे होते हैं। और जो अमेज़ोनियन वॉरियर्स होती हैं, वो लोगों की हेल्प करती हैं और घरों में लगी हुई आग को बुझाती हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम करती हैं। वहीं हॉल ऑफ जस्टिस के सामने हम कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स को देखते हैं, जो कि डार्क आर्मी से लड़ रहे होते हैं। पर तभी अचानक से बहुत सारी डार्कनेस यहाँ पर आने लगती है और सुपरमैन भी बुरी तरह से पिट रहा होता है। इसके बाद डार्कनेस काफी तेजी से बढ़ने लगती है और उसमें से काफी सारे डार्क शैडोज ग्रीन लैंटर्न पर हमला कर देते हैं, और इस बीच सभी ग्रीन लैंटर्न्स को लगता है कि अब उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर एक ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर यहीं रुककर लड़ने का फैसला करता है और वो कहता है कि यहीं से कायरो की तरह वापस चले भी गए तो उससे कुछ नहीं होगा, हम आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, इससे अच्छा तो ये होगा कि लड़कर हम आज ही मर जाएं या जीत जाएं। गाय गार्डनर की ये बातें सुनकर सभी लैंटर्न साथ रहकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद ये लोग मिलकर डार्क शैडोज से फाइट करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेमियन वेन अपनी टीम के साथ अर्थ जीरो पर पहुंच जाता है और पूरी टीम डार्क आर्मी से फाइट करती है, और यहाँ डॉक्टर लाइट के होने की वजह से सभी डार्क शैडोज भी गायब होने लगती हैं। यहाँ रेड कैनरी विलेन से फाइट करने की कोशिश करती है, पर डेमियन उसे फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की पावर्स नहीं होती हैं। वो पहले तो डेमियन की बात नहीं सुनती, पर जब वो यहाँ सुपरबॉय को पिटते हुए देखती है वो सीधा एक बस में जाकर छुप जाती है। और हम रेड कैनरी के पीछे डॉल मेकर नाम के एक विलेन को देखते हैं, जो कि रेड कैनरी को काटने वाला होता है, पर तभी ब्लैक कैनरी उसकी जान बचा लेती है, और इसी प्रकार रेड कैनरी ब्लैक कैनरी से मिलती है, और इसके बाद ब्लैक कैनरी उसे ट्रेनिंग भी देती है और साथ में डार्क आर्मी से फाइट भी करती है। और यहीं पर डार्क क्राइसिस का पार्ट 9 एंड हो जाता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun.